हिंसा और फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत के मामले में गुरुवार को पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हुए एनकाउंटर में 2 आरोपियों सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी है। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस बीच आज जुमे की नमाज को लेकर बहराइच जिले में एक बार फिर हाई अलर्ट कर दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई है, यानी कि पुलिस चौकन्नी है पूरे जिले में। जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज को देखते हुए मेडिकल कॉलेज समेत सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंसा प्रभावित महसी और महाराजगंज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहराइच में जगह जगह पुलिस PSC और RRF की तैनाती की गई है। बता दें कि 13 अक्टूबर को हुई हिंसा के 5 दिन बाद भी लोगों में दहशत का माहौल है। कोई भी घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि हिंसा के 6 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हथियार बरामदगी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर नेपाल भागने की कोशिश की, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर में किसी की मौत नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच करवाई जा रही है। कुछ भी गलत मिलने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। एनकाउंटर को लेकर पुलिस का दावा है कि ये बंदूक पहले से लोडेड थी, जिसके बाद मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम ने नेपाल भागने की फिराक में पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और इस मुठभेड़ में पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई में मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम दोनों घायल हो गए। मोहम्मद तालीम के दाहिने पैर में गोली लगी और सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी है। जब ये एनकाउंटर हुआ, उसके बाद आरोपी मोहम्मद सरफराज कह रहा था कि उससे गलती हुई है और वो इसके लिए माफ़ी मांगता है। इस मामले में अब तक कुल 13 FIR दर्ज हुई हैं। पुलिस ने 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम अब्दुल हमीद है। पुलिस का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा ने जिस मकान की छत से इस्लामिक झंडा हटाकर भगवा झंडा फहराया था, वो मकान अब्दुल हमीद का था। और आरोप है कि अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे रामगोपाल मिश्रा के हत्याकांड में शामिल थे। तो इस तरह से बहराइच में अलर्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।